हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सनीसा क्लास ट्वेल्थ में। देखिए, हम आपको चैप्टर वाइज अभी ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, और एक बार चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए तो उसके बाद हम मॉडल सेट का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, और मॉडल सेट से जितना भी VVI क्वेश्चन है वो सब हम आपको बता देंगे। तो निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना, क्योंकि जितने आप पढ़िएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। तो जीवन में भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अभी के समय में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कौन किए थे? माइकल फैराडे किए थे। देखिए, माइकल फैराडे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। माइकल फैराडे के माता पिता का जो मृत्यु हो गया था, इसलिए बचपन में क्या करते थे कि बुक बाइंडिंग का काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। उनको साइंस में बहुत दिलचस्पी था, तो साइंस के जो भी किताब आता था तो पहले उसको पढ़ लिया करते थे और उसके बाद उसका बुक बाइंडिंग करते थे ताकि कोई ले ना जाए, ठीक ना। वैसे पढ़ते 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 उनके साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गए, और देखिए परिणाम ये आज हुआ कि आज जो साइंटिस्ट बन गए। हालांकि उसके पीछे बीच में और भी कहानी है कि कैसे साइंटिस्ट बने हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका ही लेक्चर सुनने गए थे, जो रॉयल साइंस अकेडमी के थी थे मेम्बर थे चेयरमैन, तो उनका मेन जो थे उसका लेक्चर सुने थे और उसका लेक्चरवा सेम टू सेम लिख के भेज दिए थे एकदम हूबहू। तो उनको समझ में आया कि जो भेजा है इसके पास साइंस का काफ़ी नॉलेज होगा, तो उसको बुला करके इंटरव्यू लिया गया। फिर उसको जो लैब होता है उसमें असिस्टेंट के रूप में रख लिया गया। वो असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, धीरे धीरे भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, एक से एक खोज कर दिए, आज हम लोग के पढ़ना पड़ रहा है, ठीक ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोज की गई थी किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन है कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। क्या होती है भाई उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा? देखिए, प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होती है, वामावर्त। इसका देखिए किस में दिया है वामावर्त? ए में दिया हुआ, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, वामावर्त। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम का संबंध है ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम संबंधित है। लेंज का नियम क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित धारा का दिशा इस प्रकार से होता है कि वह उस कारण का ही विरोध करता है जिसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यही आपका लेंज का नियम है, लिख दीजिएगा एग्जाम में, ऊर्जा संरक्षण संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, इसलिए क्या होता है? गर्म हो जाता है। धातु के गोला को जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है, और भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण वो गर्म होकर के लाल तप्त हो जाता है, ललन टप, ठीक ना, भंवर धारा का कारण। क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक आपका हेनरी होता है, ठीक है। तो इसका हेनरी हो जाएगा स्वप्रेरकत्व का। हालांकि अन्योन्य प्रेरकत्व का भी पूछेगा तो उसका भी हेनरी ही बताइएगा, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, दोनों का मात्रक एक ही होता है। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसके दोलनीय गति में क्या होती है? अवमंदन होता है। चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध में उसके दोलन में कार्य करना पड़ता है, इसलिए अवमंदित होता है, यानी कि वो रुकता भी है बीच में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवमंदित हो जाएगा। किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा यू तथा प्रवाहित धारा आई के बीच से समानुपातिक संबंध होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि U बराबर फार्मूला होता है 1/2 LI² होता है, तो L तो प्रेरकत्व है जो कि कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो U समानुपाती क्या होता है आपका? I² होता है, जो कि देखिए किस में दिया हुआ है आपका? D में दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखिए, डायनेमो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस में दिया हुआ है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपका बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स होगा, कितना होगा? 0.01 वेबर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कि एक परिनालिका की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और फेरों की संख्या एन है, तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। देखिए परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और बटा में एल होता है। ऐसा ऑप्शन आपका किसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए प्रेरण कुंडली एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उच्च वोल्टेज, और उच्च वोल्टेज आपके किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, किस में दिया हुआ आपका, सी में दिया हुआ, ऊर्जा संरक्षता का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है, कितना होता है भाई, तो यू बराबर आपका होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है, किस में दिया हुआ है आपका, बी में दिया हुआ है, ठीक, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है कि एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में समरूप समांतर भी वेग से गतिमान है, तो चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा कितना होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है आई बी सॉरी वी बी एल साइन थीटा होता है, वी बी एल साइन थीटा होता है, और जब समांतर होगा तो थीटा का मान जीरो होगा, तो क्या हो जाएगा, वी बी एल साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए पूरा कोई क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो समांतर है इसलिए आपका जीरो है, लेकिन लंबवत होता तो केवल वी बी एल होता, लंबवत होता तो क्या होता, केवल वी बी एल होता, ठीक ना, तो इसका आंसर आपका जीरो हो गया क्योंकि समांतर है ना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि डी ए क्षेत्रफल डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है, तो डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा, बी डी ए कोस थीटा, कैसे लिखते हैं, तो डी बी हाई बराबर होता है आपका बी डी ए कोस थीटा, ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया, तो इसका आंसर ए हो गया आपका। 17 का क्वेश्चन है कि यदि डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत होता है, डी ए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो क्या होगा भाई, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी फाई बराबर आपका क्या होता है, बी डी ए कोस थीटा, कोस थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जीरो, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, ठीक है, तो वेबर किस में दिया हुआ आपका, ए में दिया हुआ है, तो 19 का आंसर आपका वेबर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है, तो एल बटा आर का बीमा होगा, तो एल बटा आर का बीमा क्या होगा, एम एल के पावर जीरो टी, यानी कि आपको लिखना है एम के पावर जीरो एल के पावर जीरो टी, यानी कि आप इसको केवल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, हम आपको बताए हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व दोनों का मात्रक हेनरी होता है, हेनरी किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के माइकल फैराडे आविष्कारक थे, इन्हीं का देन है, ठीक ना, इनका दो गो नियम है। पहला कि जब भी हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जब तक हम लोग घुमाते रहेंगे तब तक उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और दूसरा है कि जो कुंडली को हम लोग घुमाएंगे तो कुंडली से जितने ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा उसमें उतना ही ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक ना, तो दो वो नियम है कि जब तक लोग घुमाइएगा तब तक, और जितने ज़्यादा काटेगा उतने ज़्यादा उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत से आधारित है भाई, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर है, तो डायनेमो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, स्वप्रेरकत्व कहे चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व कहे दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। क्वेश्चन है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है, तो उस पर लगने वाला बल होता है, देखिए लगने वाला बल होता है आपका F बराबर होता है एफ ई या प्लस में एफ एम होता है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एफ ई का मान होता है क्यू इंटू वेक्टर ई, और इसका मान होता है Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B होता है। अब हम लोग दोनों में से क्या करते हैं,
कि दोनों में से हम लोग क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका ई प्लस वी क्रॉस बी बचेगा, यही बचता है ठीक ना। तो यही इसका हो गया फार्मूला। अब देखिए ऐसा किस में दिया हुआ आपका, सी में दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। हालांकि इस बल को हम लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं, जो ये फार्मूला है आपका इसको आप लॉरेंज बल के नाम से भी याद रखिएगा, ये लॉरेंज बल का भी फार्मूला है ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है अगला, अगला क्वेश्चन आपका इसमें और तरीके अगला क्वेश्चन है, ये नहीं है, इतने क्वेश्चन था ठीक। तो चलिए हम आपके लिए इसी प्रकार से हर दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और आप लोग का तैयारी करवाते रहेंगे। आप लोग लगे रहिए मन से ठीक ना, क्योंकि जब तक है जान तब तक है अरमान। अभी अरमान सबका होना चाहिए तैयारी करने का, फालतू का भी अरमान नहीं रखना है ठीक ना। पूरा पढ़ाई पर फोकस कीजिए ताकि रिजल्ट आए तो चारों तरफ खुशी का माहौल हो, क्योंकि जब रिजल्ट ख़राब होता है ना तो मातम वाला माहौल हो जाता है। तो मातम वाला माहौल होगा तो उसका जिम्मेवार आप ही होंगे, और खुशनुमा माहौल होगा तो उसका भी जिम्मेवार आप ही होंगे। कोई आपके लिए दूसरा कोई चमत्कार नहीं करेगा, दूसरा कोई केवल मार्गदर्शन देगा। जैसे हम आपको मार्गदर्शन देंगे, जानकारी देंगे, लेकिन सारा काम आप ही को करना है एग्जाम हॉल में जाके। इसलिए पढ़ लीजिए मन से, तैयारी कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।